नमस्कार, बजट पर हमारी खास पेशकश बुलंदियों का बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष ओझा। आज हम बात कर रहे हैं जबरदस्त तेजी से बढ़ती म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसके निवेशकों और बजट से उनकी उम्मीदों पर। इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान पंकज मठपाल। 22 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले पंकज मठपाल इंडस्ट्री पर बारीकी से नजर रखते हैं। निवेशक कहां, कैसे और कितना पैसा बना सकता है, इसका गुरु मंत्र बखूबी जानते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी। सर, सबसे पहला सवाल हम इंडस्ट्री से ही शुरू करते हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ जो हम देख रहे हैं पिछले एक साल का हम देखें तो काफी तेजी से, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का देखें तो ग्रोथ लगातार बहुत ही जबरदस्त है। और इसमें SIP का आंकड़ा देखें तो वो लगभग 16,000 करोड़ से पार है। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 46,00,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो इस तेजी की असल वजह आप मानते क्या है? आशुतोष जी, इसकी दो वजह मैं मानता हूँ। एक है जरूरत और दूसरी है जागरूकता। देखिए, क्योंकि अब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो ये बात तो तय है कि आपको इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा उसके लिए, और ये बात लोगों को समझ में आ गई है। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड ने ऐसा नहीं कि पास्ट में इन्वेस्टर्स की मदद नहीं की है वेल्थ क्रिएशन में। हमेशा से हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो म्यूचुअल फंड हमेशा बहुत ही हेल्पफुल रहा है वेल्थ क्रिएशन में, और स्पेशली इक्विटी फंड्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी थी। अब क्योंकि जैसा हमने देखा कि फंड हाउसेस ने काफी काम किया इसके ऊपर, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो या चैनल्स हो, उन्होंने बहुत काम किया इन्वेस्टर एजुकेशन पर। MFI की जो कैंपेन है, म्यूचुअल फंड सही है, मेरे हिसाब से वो काफी इम्पैक्टफुल रहा। इन सभी की वजह से तो जो जरूरत तो थी ही, और अवेयरनेस क्रिएट हुई, इसका फायदा इंडस्ट्री को मिला और लोगों को भी मिला। मोदी सरकार के सर दूसरे टर्म का ही आखिरी बजट है। इंडस्ट्री और निवेशकों के लिहाज से क्या कुछ आपको लगता है, कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो बेनिफिट में हो? लेकिन यहाँ एक और बात है कि ये चूंकि अंतरिम बजट होगा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार किसी बड़े ऐलान के लिए तैयार है, करेगी, जिसका फायदा आम निवेशकों और इंडस्ट्री को होगा? इस वक्त पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि टैक्स में कोई बदलाव होंगे या फिर इक्विटी मार्केट को कुछ फायदा पहुंचाने वाला ऐसा कुछ बजट में होगा। लेकिन हम ओवरऑल बात करें अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ की, तो उसमें जरूर आप काफी कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, और वो जो भी अनाउंसमेंट होंगे उसका इक्विटी मार्केट पर फायदा जरूर दिखाई दे सकता है। तो डायरेक्टली भले ही आपके टैक्स कम ना हो रहे हो या ऐसी कोई घोषणाएं ना हो रही हो, लेकिन यदि मार्केट में तेजी आती है तो पैसा तो बनेगा यहाँ पर, उसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। सर, पिछले साल बजट में याद होगा LTCG को लेकर कुछ बदलाव हुए थे, तो वो क्या आपको लगता है कि वो जो बदलाव हुए थे वो बदलाव बेहतर रहे हैं, अच्छे रहे हैं इंडस्ट्री के लिहाज से, या उनमें भी अभी और सरल बनाने के लिए कुछ नए चेंजेस लाने पड़ेंगे, लाने चाहिए? देखिए, लास्ट टाइम जो चेंजेस हुए, अगर हम बात करें जैसे कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जिस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, वो चला गया। तो इस तरह से डायरेक्टली तो इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा नुकसान ही हुआ। लेकिन जो जो घोषणाएं हुई, जिन चीजों पर काम हुआ सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए हम देखेंगे कि मार्केट में अच्छी खासी एक तेजी देखी गई, स्पेशली इक्विटी मार्केट में और डेट में, क्योंकि उसके भी कारण रहे, और इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से बढ़े, तो उसमें भी हमने देखा कि डेट मार्केट को भी फायदा मिला, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को भी फायदा मिला। तो इन्वेस्टर्स को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपका अगर टैक्स कम लगेगा तो ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। एक सर इसमें बड़ा ट्रिगर ये होगा कि यदि मोदी सरकार वापसी करती है तो इंडस्ट्री की रफ्तार कैसी होगी, और अगर हम ये भी एक एज्यूम कर लें कि अपोजिशन यदि सरकार फॉर्म करते हैं तो फिर क्या कुछ बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है इंडस्ट्री की ग्रोथ में या ग्रोथ रेट या बाकी सब चीजों में, इन्वेस्टर्स के लिहाज से और इंडस्ट्री के लिहाज से? आशुतोष जी, आपने जो सवाल पूछा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, और मैं भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली बात तो मेरे हिसाब से 90% चांसेस हैं कि BJP दोबारा से सरकार बनाएगी, और 10% चांसेस हैं कि हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बना पाए। तो यदि हम 90% की बात कर रहे हैं और सरकार BJP की बनती है, तो फिर जो तेजी बरकरार है, उम्मीद है वो ऐसे ही जारी रहेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इक्विटी मार्केट से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात रही कि 10% या कहिए कि छोटी सी संभावना है,
कि इंडिया अलायंस सरकार बना ले, तो ऐसे में भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अगर सरकार बनती है इंडिया अलायंस की, तो सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आप मार्केट में गिरावट देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करेगा। आप बिल्कुल इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं ये आपसे इन्वेस्टर के लिहाज से पूछ रहा हूँ, अगर 3 से 5 साल का कोई टारगेट लेके चल रहा है और उसको रिस्क लेने की क्षमता है, तो उसको किस फंड और किस कैटेगरी में जाना चाहिए आज के समय में? और जो आप हम जैसे की बात कर रहे हैं चुनावी नजरिए से और चुनाव के नतीजों जो आएंगे आने वाले समय में, उसके लिहाज से हम देखें तो क्या आप मानते हैं? देखिए 1-2 साल की बात करें तो मुझे लार्ज कैप में ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्योंकि वैल्यूएशन फिर भी यहाँ पर बेहतर है। स्मॉल कैप में मिड कैप में देखा कि अच्छी रैली हो गई, जिसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। लार्ज कैप यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप 2-3 साल की बात कर रहे हैं तो लार्ज कैप में ज्यादा आपका एलोकेशन होना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात, यदि आप थीम की बात करें तो इस वक्त पर PSU, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये थीम मुझे बेहतर दिखाई दे रही है। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड है और आप चाहते हैं कि इन चुनाव को लेकर या इस टाइम पर जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से कुछ बदलाव या कुछ और एलोकेशन आपको करना है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग थीम और हेल्थ केयर पर बेट ले सकते हैं। साथ ही मैंने जैसा कहा कि PSU थीम जो है वो भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। काफी सार्थक आपने चीजें बताई और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, और उम्मीद है कि बजट में कुछ ऐसे हो, हालांकि अंतरिम बजट ही होगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे टेक अवे जाए। और आपके टेक अवे से हम बात करें तो निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, नतीजे कुछ भी हो पैसा बनेगा। और इस खास चर्चा में ये थे हमारे साथ पंकज मठपाल जी, जिन्हें बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और बजट को लेकर और आने वाले जो अंतरिम चुनाव है उसको लेकर उनका मानना है कि नतीजे कुछ भी हो निवेशकों का लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। हम जल्द फिर हाजिर होंगे बुलंदियों के बजट में बिजनेस जगत की किसी नई हस्ती के साथ, नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस।